तभी आप लेट पहुंच जाते हैं। आज पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर और बीएड सेकंड ईयर, जिसमें एक सब्जेक्ट चलता है तीनों ही क्लासों में, जेंडर विद्यालय एवं समाज। तो अब आप लोग जानते हो कि हमारे जीवन में सभी आ सकता है, तो आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको जेंडर का अर्थ। ये भाग फर्स्ट होगा, फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें जेंडर का अर्थ, शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि व्याकरण की दृष्टि से लिंग विभाजन प्रयुक्त माना जाता है, जो कि हम देखते हैं। और उसके साथ ही आगे हमारे साथ ही जेंडर शब्द स्त्री पुरुष की विविध समस्याओं में स्थापित संबंधित आ जाता है। व्यापक रूप से हम इसको देखें तो बहुत सारे इसमें देखने को मिलते हैं। स्त्री पुरुष में असमानता के कारण लिंग की भिन्नता एवं और भी अन्य रूप हमें देखने को इसके अंतर्गत मिलते हैं, जिससे एक स्त्री और उसमें एक जेंडर या लिंग की विविधता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमारे समाज में ये एक एंशियंट काल से ये चला आ रहा है कि भाई एक स्त्री और उसके जो लिंग होते हैं उसमें स्त्री लिंग को कम महत्व दिया जाता है, और जो फीमेल है उसको कम महत्व दिया जाता है और मेल वर्ग को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा हमारे समाज में हमने देखा है, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए ये सब कुछ हमें समाप्त कर देना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को समान लिंग के विभाजन पर समान कार्य, समान वेतन और समान अवसर सभी को देने चाहिए। स्त्री पुरुष का संबंध समाज के उन सभी व्यक्तियों के साथ होता है जो एक समाज में अपन को जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं और उनके संबंध हर व्यक्ति को अपने अपने संबंधों की महत्वता एवं भूमिका समझनी चाहिए और उनके साथ निभानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि जेंडर का अर्थ और परिभाषा, जो जेंडर की परिभाषा दी गई है, जो सबसे पहले दी गई है प्रोफेसर एस के दुबे। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार तो अब जेंडर का आज से लिंग वर्गीकरण या
विभाजन की उस स्थिति की ओर, विभाजन की उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें स्त्री पुरुष की असमानता को सामाजिक जैविक और श्रम एवं धार्मिक आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो आप देखते हो उसमें जो एसके दुबे ने जो चीज लिखा है, जेंडर कास्ट से लिंग वर्गीकरण या विभाजन उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें स्त्री पुरुष की असमानता को सामाजिक जैविक और श्रम एवं धार्मिक आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। तो आप देखते हो स्त्री पुरुष का जो स्त्री पुरुष की जो विभाजन की स्थिति है वो हमें इन सभी रूपों में देखने को मिलती है। समाज में देखने सामाजिकता में भी देखने को मिलती है, जैविक और धार्मिक आधारों पर और श्रम के आधारों पर इनमें सभी चीज़ों में हमें देखने को मिलती है। और ये सारी चीज़ें इनका एक एक जो स्त्री पुरुष में असमानता खां खां पे देखने को मिलती है, इन सब की एक एक चीज़ें अपन आगे आने वाले वीडियोज में एक एक पॉइंट के ऊपर बातें करेंगे और एक एक को ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके साथ अब अगली जो अर्थ बताया है या जो अर्थ या जो परिभाषा दी है जो श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार है, उनको भी अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या इसमें बताया है। श्रीमती आर के शर्मा श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार
जेंडर लैंगिक विभाजन जेंडर लैंगिक विभाजन को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है व्यक्त करने की एक जेंडर लैंगिक विभाजन को व्यक्त करने की एक एक प्रक्रिया है जिसको सामाजिक धार्मिक जैविक एवं अन्य विविध आधारों पर प्रस्तुत किया जाता है तथा विविध आधारों एवं कार्य एवं व्यवहार में अंतर किया जाता है आप देख रहे हो कि श्रीमती आर के शर्मा ने यह कहा कि जेंडर लैंगिक विभाजन को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है, उन्होंने ये एक प्रक्रिया बनाई है, जबकि आर के दुबे जी ने इस चीज़ को एक विभाजन करने का तरीका बताया था, लेकिन तर्क्रिया है वक्त दोनों की बात एक ही आ रही है भाई कि जेंडर विभाजन कहाँ किस प्रकार से होता है, तो उन्होंने सामाजिक आर्थिक जैविक एवं अन्य विविध आधारों पर प्रस्तुत किए जाते हैं, ये सारे कारण उन्होंने भी बताए तथा आर के शर्मा जी ने ये साथ में बताया कि विविध आधारों एवं कार्यों के व्यवहार में अंतर
हमें देखने को मिलता है। आप देखते हो कार्य और अंतर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आप देखते हो कि जो मेल वर्ग है उसको हार्ड कार्य मिलता है, जबकि जो फीमेल वर्ग है उसको सरल एवं सरल एवं सुविधा के अनुसार कार्य मिलता है। उसके साथ भी आप देखते हो कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें अधिकतर एक वर्ग भाग लेता है लेकिन दूसरा वर्ग कम भाग लेता है। उसके साथ अन्य उसमें जेंडर के जेंडर का अर्थ में देखा गया है कि सभी में अनेक चीज़ें एक दूसरे को ऐसे मान्यताओं में देखने को मिलती हैं। और जेंडर के आधार पर एक स्त्री और पुरुष में अनेक प्रकार के अंतर स्थापित किए जा सकते हैं, जो कि आने वाली अध्यायों में या आने वाले वीडियोज में और आगे एक एक को आसानी से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद अगला वो आते जेंडर की मूल अवधारणाएं। अब तक तो अपन पढ़ रहे थे जेंडर का अर्थ क्या क्या बताया, अब आगे जेंडर की मूल अवधारणाएं। अवधारणाएं तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं तो जेंडर की जो मूल अवधारणाएं हैं उनको अनेक प्रकार की दृष्टि का अनुरूप प्रत्येक में बांटा गया है, जिसमें ये नहीं कि जेंडर का अर्थ मात्र लिंग विभाजन से माना जाता है, और भी कार्यों के अकॉर्डिंग इसमें वो माना गया है। वर्तमान समय में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करते हुए जा रहे हैं, तो इसमें के साथ प्रत्येक अपराध को भी हमारे यहाँ समाज में रखा जा रहा है। और एक छात्र और एक छात्रा को या एक व्यक्ति या महिला को सभी को समान रूप से सभी कार्यों में दर्जा दिया जा रहा है। जो जेंडर आधारित मूल अवधारणाएं उनमें सबसे फर्स्ट आती है लैंगिकता, लैंगिकता, और उसके साथ आती है सेकंड पितृसत्ता, और उसके साथ थर्ड आती है पुरुषोत्तम, और चार आती है नारीवादिता। आप देखते हो जेंडर के चारों मूल अवधारणाएं हैं उनमें सबसे फर्स्ट लैंगिकता और सेकंड पितृसत्ता, तीसरा पुरुषोत्तम और चौथा नारीवादिता। तो इनमें अपन सबसे पहले आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं लैंगिकता। तो आप देखते हो कि एक लैंगिकता एक स्त्री और पुरुष में दोनों में असमान कार्य असमान प्रीत होते हैं, तो उन सबको हम इस लैंगिकता के अंदर इसमें लैंगिकता में आप देखते हो एक बालक और बालिकाओं को दोनों को समान रूप से अपने जीवन जीने और समाज में सभी कार्य के लिए समान अधिकार मिलने चाहिए, न कि एक वर्ग को अधिक और दूसरे वर्ग को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जबकि आप देख रहे हो कि लैंगिक काम जो बच्चे हैं जो अपने माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं, बालिकाएं होते हैं जो अपने फादर से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो आप इसमें को देखते हो कि ये दोनों में विषम लिंगी भावना का उत्पन्न होता है। और उसके साथ ही आप देखते हो एक बालक और बालिकाओं में समाज में कार्य करते समय भी एक दूसरे के प्रेत होते हैं। बच्चों में ये वो होते हैं कि हम इस कार्य को सबसे पहले करें, जैसे भी कोई धार्मिक वो करते हैं तो बच्चे उसमें पहले भाग लेते हैं, उनके मन में इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक कार्य करें। तो इन दोनों उनमें देखा गया लैंगिकता में बालक और बालिकाओं में अंतर पाया जाता है। शारीरिक भिन्नता जो पाई जाती है वो 0 से 5 वर्ग का जो 0 से 5 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें निम्न अंतर मिलते हैं। अंतर होते हैं तो एक तरफ लिख लेते हैं अपन बालक और दूसरी तरफ लिख लेते हैं बालिकाएं। बालक बालिका तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लंबाई। तो इसमें जो बालक की लंबाई होती है 101.4 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसमें बालिका में लंबाई होती है 102.1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों में अपन देखते हैं लंबाई में भी अपन को फर्क दिख रहा है। एक सौ दो पॉइंट एक 101.4 जबकि बालक में लंबाई होती है 102.1 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई होती है 101.4 सेंटीमीटर। जबकि इनके बाद सेकंड आता है भार या वजन। तो इसमें भी इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है, जबकि जैसे कि बालिका में तो 14.5 किलोग्राम वजन मिलता है, जबकि इसके विपरीत बालक में 14.8 किलोग्राम वजन मिलता है। इसके साथ साथ शारीरिक दृष्टि से बालिकाएं हार्ड कार्य करने में कम साहस दिखाते हैं, जबकि बालक हैं जो कठिन कार्य करने में अधिक साहस दिखाते हैं। और उसके साथ साथ बालक और बालिकाओं में जो अगला वो आता है गामक क्रिया। गामक क्रियाओं का जो खास है वो बालक में होता है 18 वर्ष तक के और बालिका में होता है 14 वर्ष तक। 18 वर्ष तक होता है जबकि बालिकाओं में ये 14 वर्ष तक गामक क्रियाओं का विकास होता है। और होगी और बनो
जो आप आओ।